क्लास 9th हिंदी का ये चैप्टर है दूसरा, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो इस अध्याय में क्या बताया गया, इस अध्याय में नालंदा विश्वविद्यालय की जो उपलब्धियां हैं वहां बताया गया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विख्यात संस्थान था और कहाँ है ये, बिहार के नालंदा जिले में ये स्थित है। इसकी स्थापना की थी गुप्तकालीन कुमार गुप्त प्रथम ने। तो प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए कई विदेशों से छात्र आते थे अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म साहित्य का अध्ययन किया जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का ये अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसी के बारे में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी, इस वाक्य का आयत स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का एक विश्वविख्यात संस्थान था। इसे विदेशों से छात्र शिक्षा ग्रहण, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे वही बात बताया गया है, कि वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी, काफ़ी फेमस था। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लगाना है ज्ञान साधना के पहले लगाना है नालंदा। नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं। अभी तो किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। महाद्वीप में विस्तृत भूभाग में, यानी काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में विद्या संबंधी सूत्र भी इसके साथ जुड़े हुए थे। ये काफ़ी पॉपुलर था ज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं, इसका उज्ज्वल दृष्टांत है। यानी ये जो विद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, एक समय काफ़ी फेमस था। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए विश्वविख्याता के वजह से नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार फैले हुए थे। ठीक है, तो यही तक इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है, मगध की प्राचीन राजधानी का क्या नाम था और कहाँ अवस्थित थी। तो इसका आंसर करना है, मगध की प्राचीन राजधानी कौन थी, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार जो ये नाम था क्या, व्यवहार, जो पांच पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरविज या राजगिरी नामक स्थान में थी। कहाँ है, नाम है व्यवहार, और ये पांच पर्वतों के मध्य बसी हुई राजगिरी भी कहा जाता है, वहाँ पे स्थित है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, बुद्ध के समय नालंदा गाँव में प्रावारिकों का आम्रवन था। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, महावीर और मेखलिनपुत गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो इसका आंसर देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलिनपुत गोसाल की भेंट हुई थी, और यह किस स्थान उपग्राम में हुई थी। उस समय का यह राजगिरी का उपग्राम या वाहरिक स्थान समझा जाता था, कौन सा, ये हुआ था गोसाल। पाँचवा प्रश्न देखिए, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महावीर ने 14 वर्ष तक, ठीक है, 14 वर्षावास व्यतीत किए थे, पांचवा का आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो सबसे पहले तारानाथ के बारे में बताना, ये कौन थे। तो हमें लिखना है, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक जिनका नाम था तारानाथ थे, और उन्होंने नालंदा को सारीपुत की भूमि ये बताई थी। ठीक है, सारीपुत की भूमि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 7 नंबर, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। तो एक जीवंत यानी प्राणवत विद्यापीठ के रूप में नालंदा प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 8वां, फरहान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए फरहान के बारे में बताना है कौन थे। तो फरहान एक चीनी यात्री थे जो नालंदा आए थे। ठीक है, और ये कौन कब आए थे, ये 4वीं सदी में आए थे जो चीनी यात्री थे,
और नालंदा आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री युवांग चांग भारत आया था, यानी नालंदा में आया था, और उस समय नालंदा की स्थिति क्या थी। तो उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पे था, काफ़ी फेमस था, काफ़ी प्रसिद्ध था उस समय शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। तो आपको यहाँ से इसका आंसर करना है, युवांग चांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था नालंदा में, ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि यहाँ पे नालंदा का नाम जो यह नाम है इसलिए पड़ा कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न महात्मा बुद्ध को तृप्ति नहीं थी, यानी नल अल दा, तो उसका नाम पड़ गया न अल दा यानी नालंदा। ठीक है, ये चीनी यात्री युवान चांग के एक ग्रंथ जिसमें एक जातक कहानी का हवाला देते हुए ये नाम उन्हें बताया था। इसके बाद देखिए 11 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो हमें इसका आंसर लिखना है यहाँ से, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसको आरंभ कहा जाता है कि इसकी आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन की भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दी थी। ठीक है, तो यहीं तक हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है, 8वीं सदी में यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्ति ऊँचे ऊँचे शिखरों आकाश मेघों को छूते थे, तो उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिनके सुनहरे और लाल कमल तैरते थे, बीच बीच में संगन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। ठीक है, और उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और जो सुंदर मूर्तियाँ थीं, या तो भारतवर्ष में अनेक संगाराम थे किंतु नालंदा उनमें सबसे अद्वितीय है। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर, इत्सक कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है। तो हमें आंसर करना है यहाँ पे, देखिए इत्सक जो था वो चीनी यात्री था, तो उन्होंने जो नालंदा के 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे, पुरातत्व विभाग के खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए उनमें ये वर्णन की सच्चाई प्रकट होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्र पत्र के नालंदा की खुदाई से मिला। तो इससे ज्ञात होता था कि ये सुवर्ण द्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव के मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनके ओर से 5 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों को आकृष्ट होकर यवदीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा के एक बड़े विहार का निर्माण कराया। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध एक स्मारक ताम्रपत्र के स्मारक से ये प्राप्त होता है, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है, नालंदा के किन्हीं 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी, कौन कौन विषय थे वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए मूल रूप से 5 विषय की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। पहला है शब्द विद्या या व्याकरण, और जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिसे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात पर परख सकें। तीसरा क्या है, चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सकें और दूसरों को भी निरोग बना सकें। चौथा है शिल्प विद्या, एक शिल्प को सीखना वहाँ अनिवार्य था। ठीक है, जिसे छात्रों के व्यवहारिक और आर्थिक जीवन स्वतंत्रता आ सके। और इन चारों में से एक और था अतिरिक्त रुचि के अनुसार, जो धर्म और दान का अध्ययन करते थे, धर्म और दर्शन शिक्षा था। ठीक है, ये 5 शिक्षा हो जाता है अनिवार्य रूप से।
इसके बाद देखिए 16 नंबर, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे देखिए आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शीलभद्र हो गया, ज्ञानचंद्र, प्रभावमित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। ये सारे विद्वान उस समय के थे। इसके बाद देखिए 17 नंबर, शीलभद्र से युवांग चांग यानी हवेन सांग ने कहा जाता है से क्या बातचीत हुई। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये बातचीत ही लिखना है। यहाँ देखिए यहाँ से लिखना होगा, जब युवांग चांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र, तो युवांग चांग कौन है? तो ये युवांग चांग हवेन सांग का दूसरा नाम है। जब ये नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र अन्य भिक्षुओं ने उन्होंने यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया, उन्हें रुकने यहाँ पे हमेशा के लिए। लेकिन युवांग चांग यानी कौन हवेन सांग ने उत्तर में यह वचन कहें, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम ना हो सका सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने पर मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित में मैं भगवान की महान धर्म की खोज करूँ, और मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊँ और अनुवाद के रूप में लाऊँ, ठीक है, और जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपसे प्रति इस प्रकार कृतज्ञ हो जिससे जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। जब आए थे युवांग चांग यानी हवेन सांग, तो युवांग चांग और उनके जो शिष्य थे उन्हें रुकने के लिए कहा कि आप हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाइए नालंदा में, लेकिन वो मना कर दिए, ठीक है, और वो चले गए। क्योंकि वह बताए थे इसलिए गए क्योंकि जो उन्होंने सीखा है उसका प्रचार प्रसार वो कर सके, दूसरों को सिखा सके, ज्ञान बांट सके। इसके बाद देखिए 18, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास का वर्णन दीजिए। तो वर्णन करने वाला ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा हो जाएगा, यहाँ से आपको लिखना है यहाँ तक, नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। तो ये सारे लिखने हैं, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 19, ज्ञान दान का विशेषता क्या है ये बताना है।